हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ड्रीम टीम्स फैंटेसी प्लेयर चंदो। गाइस बात करेंगे आज जो तीसरा यानी फाइनल ओडीआई खेला जाएगा इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच में, दोनों टीम्स की क्या पॉसिबल प्लेइंग हो सकती है, चेंजेस आपको मिल सकते हैं दोनों तरफ से। ठीक है, इनकी तरफ से भी जी मोटी वगैरह बाहर हुए हैं, यहां से भी इंडिया की तरफ से आपको चेंजेस 100% मिलने वाला है। ठीक है, तो यहां पे ये मैच आपके लिए जैकपॉट मैच हो सकता है। बस वीडियो को देखते रहना, बताऊंगा आगे क्यों और कैसे। ठीक है, अगर आप लोग ग्रैंडिक टारगेट कर रहे हो तभी हमारे वीडियोस पे आया, तो वीडियो को प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है एंड तक देखना, और हमारा चैनल अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि इस तरह के वीडियोस फ्यूचर में आपको मिलते रहे, जिससे आपको हेल्प मिले अपनी टीम सुधारने में। दो यहां पे एक एग्जांपल के तौर पे टीम बना रखी है, अगर यहां पे इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो किस तरह की टीम बनेगी, और यहां पे वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करेगी तो किस तरह की टीम्स बनेगी। थोड़ा सा स्ट्रेटजी चेंज हो जाती है, क्योंकि यहां पे वेस्ट इंडीज अगर बैट फर्स्ट करती है तो जो बैट्समैन है उनकी थोड़ा सा एडवांटेज यहां पर बढ़ सकता है। ठीक है, और ग्राउंड वही है ट्रिनिदाद का, अगर यूज पिच भी यानी जो पहले जहां पर दो मैचेस हुए हैं तो यहां पर आज स्कोर आपको हो सकता है 300 का ना दिखे। ठीक है, लास्ट के दो मैच 300 प्लस गए हैं और दोनों यहां पर इंडिया ने बड़े प्यार से जीते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये मैच बड़े प्यार से जीते। चलिए बात करते हैं सबसे पहले भाई आज, भाई ये मैच है पूरा चिंताजनक। ठीक है, मैंने आपसे कहा था स्टार्टिंग में कि जैकपॉट मैच हो सकता है, उसका रीजन ये है क्योंकि यहां पर मैच स्टार्टिंग में बारिश होने वाली है। ठीक है, बारिश है स्टार्टिंग में, तो हो यानी 4-5 घंटे बारिश होगी, तो यहां पे ये समझ लो कि कुछ ना कुछ ओवर्स का लॉस भी जरूर होगा। ओवर्स का ओवरऑल लॉस हुआ तो फिर यहां पे आपके लिए एक जैकपॉट मैच बन सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में अगर ओवर्स कम हुए तो वही इंपॉर्टेंट बॉलर ज्यादा रखना, जिनकी ओवर्स करने की ज्यादा इंपॉर्टेंस, चांस जिसके ज्यादा ओवर करने के वो आपको ट्राई करने। ठीक है, एवरेज स्कोर उसके बाद यहां पर यह मान के चलना, अगर ओवर्स कम हुए, अगर 6-6, 7-7 या 8-8, 10-10 ओवर भी अगर कटे तो यहाँ पे स्कोर मान के चलो 250 या 80 तक का स्कोर मेरे हिसाब से जा सकता है, चाहे टीम बैट फर्स्ट करे या फिर ये करे, हालांकि जीतना इंडिया नहीं है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और गाइस आप लोग अभी यहाँ पे, जैसे मैंने दो दिन पहले आपसे कहा था कि मैं आपके लिए सबसे बेस्ट और सुपर ऐप लेके आ रहा हूँ, और गारंटेड बता रहा हूँ गाइस, अगर इस ऐप के अलावा अगर किसी अदर ऐप पे एंट्री फीस अगर कम है तो भाई मुझे नाम बता देना। सबसे ज्यादा बिल्कुल लोवेस्ट, बिल्कुल ये मान के चलो नथिंग, बिल्कुल कमीशन ना के बराबर है, काफी अच्छी ऐप है, ट्रस्टेड ऐप, न्यू आई है, न्यू हमेशा आपको पता है जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर है, क्योंकि हम नई चीज ट्राई करते हैं अपनी विनिंग को इंप्रूव करने के लिए। ठीक है, ट्रस्टेड ऐप है, ट्राई कर सकते हो। विजयी भव काफी अच्छी ऐप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ पर रेफर कोड चंद क्या नाम है, इस पर आपको मिलेगा GET222। ठीक है, GET222 इस ऐप पर जरूर यूज करना। ठीक है, बाकी विजन लर्न, बैट बॉलिंग, इनको साइड करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। इंडिया सबसे पहले प्लेइंग 11 की बात करें, भाई शिखर धवन, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ पे सुमन गिल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। श्रेयस अय्यर, यहां तक आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। अब सूर्य कुमार यादव, ये कब इंपॉर्टेंट रहेगा, जब यहां से आप शिखर धवन या फिर अय्यर दोनों में से किसी एक को फ्लॉप करोगे। बट आज मैं आपको रियली बता रहा हूं, इन दोनों की जोड़ी को मत तोड़ना। ठीक है, ये जोड़ी काफी तगड़ा कर सकते हैं, और यहां पे भी देखा जाए ना, दो ओडीआई हो चुके हैं, तीसरा चल रहा है, और सुमन गिल का शतक पेंडिंग रह गया, हो सकता है आज के मैच में आ जाए। ठीक है, तो सुमन गिल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है, श्रेयस अय्यर इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहो तो धवन को ड्रॉप करके यहाँ पे सूर्य कुमार यादव को ट्राई कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद संजू सैमसन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बताऊंगा आज के मैच के लिए, अगर इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है तो आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद दीपक हुड्डा ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा, अक्षर पटेल को भी सजेस्ट नहीं करूंगा। अक्षर पटेल अगर इनकी टीम बाद में बॉलिंग करती है तो आप ट्राई कर सकते हो, बट जिस हिसाब से मैंने आपको बताया बारिश हो सकती है तो यहाँ पे अक्षर पटेल के पास हो सकता है बॉलिंग का ज्यादा चांस ना मिले। ठीक है, सरदुल ठाकुर ये आपके लिए हर सिचुएशन में इंपॉर्टेंट रहेगा। मोहम्मद सिराज ये इंपॉर्टेंट रहेगा, उसके बाद चहल इंपॉर्टेंट रहेगा, और अर्शदीप सिंह आज के मैच में आ सकते हैं, यानी अपनी यहाँ पे आवेश खान की जगह पे इनको आज जगह मिल सकती है। लास्ट मैच में आवेश खान आपने देखा होगा क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अर्शदीप सिंह आ सकते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो एक एक प्लेयर को चेंज करके। ठीक है, अब यहाँ पे वेस्ट इंडीज की तरफ से जो हमारी प्लेइंग 11 हो सकती है वो आपको बताऊंगा, और गाइस रियली बता रहा हूं अपना हेड टू हेड 3 मेंबर आउटसाइड आ जाओ। विजयी भव काफी अच्छी ऐप है, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिलेगा, साथ पर रेफरल कोड GET222 जरूर यूज करना, क्योंकि यहां पे अगर आप रेफरल कोड यूज करोगे 300 का बोनस आपको स्टार्टिंग में मिलेगा, प्लस आपको बाद में डबल बोनस यहां पर मिलता है। ठीक है, बोनस भी आप अच्छा खासा यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पे साई होप वेस्ट इंडीज की तरफ से इंपॉर्टेंट रहेगा, बैट प्लस बॉल तो नहीं है, बैटिंग का ऑप्शन है विकेट कीपर। ठीक है, तो विकेट की अगर कैचिंग स्टंपिंग से पॉइंट देगा, तो मैंने पहले भी कहा था लास्ट मैच में जब सेकंड मैच होता है कि इसको भाई कैप्टन और वाइस कैप्टन जरूर बना के चलना, इवन हेड टू हेड 3 मेंबर में हमने इसको वाइस कैप्टन किया था, और एडवाइस भी आपको दी थी करने के लिए, बाकी पता नहीं आपने करा होगा नहीं करा होगा। ठीक है, के मायर्स ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चॉइस है, क्योंकि बॉलिंग भी कर रहा है प्लस बैटिंग करेगा, तो टॉप ऑर्डर में कर रहा तो भाई कुछ ना कुछ करके जरूर जाएगा। ठीक है, समरा ब्रुक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पे निकोलस पुरन। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक को ही ट्राई करना मेरे हिसाब से, जहां तक मुझे
नहीं लगता, स्पेशली तब जब यहाँ पे वेस्ट इंडीज बाद में बैटिंग के लिए उतरे, ठीक है। तो समरा ब्रुक या फिर निकोलस पुरन, ठीक है, अगर बैट फर्स्ट करती है तो आप दोनों को कैरी कर सकते हो। ब्रेंडन किंग को सजेस्ट नहीं करूंगा, रमन पवेल को सजेस्ट नहीं करूंगा, अकिल हुसैन अगर इनकी टीम बाद में बॉलिंग कर रही है तो भी आप इनको ट्राई करते क्योंकि स्पिनर्स को यहाँ पे हेल्प मिलेगी और स्पेशली सेकंड इनिंग में थोड़ा सा ज्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। आरसी बट इसको भी आपको सिचुएशन के हिसाब से रखना, अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज की टीम बैट फर्स्ट करती है तो ड्रॉप कर सकते हो, अगर यहाँ पे इंडिया की टीम बैट फर्स्ट करेगी तो ट्राई जरूर करना क्योंकि यहाँ पे स्टार्टिंग के ओवर्स कराने के मतलब स्टार्टिंग के 4-5 ओवर्स आई थिंक आ गए, ठीक है, तो आपको विकेट निकाल के दे सकता है। उसके बाद यहाँ पे अजहरी जोसेफ है, इनको तो आपको मोस्टली टीम्स में ट्राई करना ही है क्योंकि रिकॉर्ड्स काफी अच्छे हैं, ठीक है। उसके बाद जे सिल्स और यहाँ पे हेडन वॉल्स, ठीक है। अब हेडन वॉल्स को कब ट्राई करना है इस सिचुएशन में, ठीक है, या फिर इनकी टीम बाद में बैट करे मतलब बाद में बॉलिंग करेगी, उस सिचुएशन में आपको अकिल हुसैन या फिर हेडन वॉल्स इनको ऐसे ट्राई कर लेना है, ठीक है। तो ये तो था हमारा वेस्ट इंडीज की तरफ से, उम्मीद करता हूँ सारी चीजें आपको एक एक चीज समझ में आएगी जो मैंने को बताया। अगर वीडियो अच्छी लगी अब तक तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर देना, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में लगेगा, वहां से डायरेक्टली टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हो, और विजय भवा ऐप पर आ जाओ भाई, फायदा उठा लो, पहले पहले नई ऐप है, अच्छा खासा अपनी विनिंग को इम्प्रूव कर सकते हो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, जब दोनों टीम्स की प्लेइंग टोटल डिस्कस करने के बाद यहाँ पे जो मैंने निचोड़ निकाला है आज के वेदर रिपोर्ट को लेके, पिच रिपोर्ट को लेके, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स को लेके जो दो टीम्स निकाली है मैंने, अगर यहाँ पे इंडिया बैट फर्स्ट करती है तो आप किस तरह के प्लेयर्स यूज कर सकते हो और किसको, ठीक है। इन दो टीम्स के अलावा बाकी आप 5-5 टीम्स दोनों की टीम मतलब सेम जो सेम टीम है यानी पैटर्न जो है इसी तरह की बाकी 5-5 टीम्स आप बना सकते हो सकता है आपकी टीम रैंक कर जाए, ठीक है। भाई नंबर वन चॉइस आपका साई होप सबसे ज्यादा बेस्ट चॉइस रहने वाला आज के लिए विकेट कीपर है, मेरे हिसाब से संजू सैमसन को थोड़ा ड्रॉप करके चल लेना, ठीक है। यहां से इंडिया की तरफ से बैटिंग में शिखर धवन को रखा है, अय्यर को रखा है और शुभमन गिल को रखा है। अब यहां पे सूर्य कुमार यादव को रखना है, तो यहां पे क्या नाम आपका धवन को ड्रॉप करके सूर्य कुमार यादव को रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद के मायर्स को रखा हुआ है और यहाँ पे आर शिफर्ट, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बॉलिंग में इंडिया की तरफ से चहल हो गया, ठाकुर हो गया और मोहम्मद सिराज, ये तीन ऑप्शन मेन रखे हैं और चौथा हमारा अजहरी जोसेफ। नेक्स्ट टीम आप बनाओगे यहाँ पे चहल सिराज इनकी जगह एक एक्स्ट्रा दूसरा बॉलर कोई, चाहे एस इनको ट्राई करो या किसी एक को ड्रॉप करना है दूसरों को ट्राई करना है। सेम यहां से अजहरी जोसेफ की जगह हेडन वॉल्स को चाहो तो कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे जे सिराज को नाके बराबर लोग रखने वाले हैं, चाहो तो इनको भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट जब इस तरह की आप टीम्स बनाओगे उसमें कैप्टन वाइस कैप्टन की स्ट्रेटेजी सबसे बेस्ट यहाँ पे शुभमन गिल अपना कैप्टन रहने वाला है। वाइस कैप्टन के लिए के मायर्स को रखा हुआ है क्योंकि हो सकता है बॉलिंग से भी आपको कुछ पॉइंट दे दे, प्लस यहां से ओपनिंग करेगा तो भाई आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा खासा करके जरूर जाएगा, ठीक है। तो ये तो था जब इंडिया बैट फर्स्ट करेगी तो उस तरह की टीम्स आप बना सकते हो, अगर यहाँ पे वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करे तो किस तरह की टीम्स बन सकते हो। वेस्ट इंडीज बैट फर्स्ट करेगी तो भाई यहाँ पे ऊपर बैटिंग सेक्शन में आपको प्लेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। आई होप तो आपका नंबर वन चॉइस हो गया क्योंकि बारिश के भी चांसेस हैं, तो इसलिए जो टॉपर जो बैट्समैन है वो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं मतलब पॉइंट्स की, ठीक है। शिखर धवन को रखा हुआ है, श्रेयस अय्यर को रखा है, गिल को रखा हुआ है, सेम सिचुएशन सूर्य कुमार यादव को रखना है तो आप ट्राई कर सकते हो। और बैट सेकंड में तो सूर्य कुमार यादव ज्यादा परफेक्ट मेरे हिसाब से नहीं रहने वाले, ठीक है, बैट फर्स्ट में आपके लिए परफेक्ट रहने वाले। यहां से निकोलस पुरन को ट्राई किया और समरा ब्रुक्स को ट्राई किया, ठीक है, दो बैट्समैन हमने वेस्ट इंडीज के भी ट्राई किया, टॉप ऑर्डर तीसरा हमारा साई होप, इनका टॉप ऑर्डर फिक्स हो चुका है, ठीक है। उसके बाद यहां से के मायर्स एकमात्र ऑलराउंडर जो मैंने रखे हुए, अक्षर पटेल वगैरह किसी को भी नहीं रखा, बाकी आप रखना चाहते हो जडेजा भी आज के मैच में आ सकते हैं पर ज्यादा चांसेस नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे चहल को रखा है और संजू ठाकुर को रखा है, केवल दो प्लेयर्स हमने यहाँ पे इंडिया के बॉलर्स यूज किए हैं क्योंकि इनकी टीम बैट फर्स्ट कर रही है, अच्छा खासा स्कोर बन सकता है, इसीलिए यहाँ पे केवल दो ही बॉलर्स यूज किए हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अकिल हुसैन और अजहरी जोसेफ, ये दोनों को यूज किया है यहाँ से वेस्ट इंडीज की तरफ से। अब यहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, अकिल हुसैन की जगह अकिल हुसैन ट्राई किया, उसकी जगह अजहरी जोसेफ मैंने करा, तो अजहरी जोसेफ के साथ आप या चाहो तो हेडन वॉल्स को ट्राई कर सकते हो, ठीक है, या फिर आपको लगता है भाई रमन पवेल ब्रेंडन किंग कुछ कर सकते हैं नया धमाल तो भाई रख सकते हो, आपकी मर्जी है, बट मैं सजेस्ट बिल्कुल नहीं करने वाला, ठीक है। अब इस तरह के टीम्स में भी कैप्टन वाइस कैप्टन आपका बैट्समैन ऑलराउंडर ही होंगे, सेम कैप्टन वाइस कैप्टन मैंने यहां पर लिखा है, तो इनमें आप चेंजेस कर सकते हो। किसी टीम में इंडिया के फेवर में जिसमें बना रहे हो उसमें एक में गिल को बना दिया, एक में अय्यर को बना दिया, इससे नीचे मत जाना, एक में चाहो तो धवन को बना लो, ठीक है। वेस्ट इंडीज की तरफ से जाओ तो साहिब को, के मायर्स को और निकोलस पुरन यहां तक जा सकते हो, इनकी टीम बैट फर्स्ट करती है तो एज ए कैप्टन आप इनको ट्राई कर सकते हो, ठीक है। तो ये था दोनों टीम्स का एनालिसिस, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया, तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाकी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो भी करना, और विजय भाव ऐप पर जल्दी आ जाओ, फायदा आप लोगों का, नई नई ऐप है, फायदा उठा लो, अच्छा खासा ऐप अपनी विनिंग को इंप्रूव कर सकते हो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक, साथ में रेफरल कोड GET222 जरूर यूज करना। तो चलिए दोस्तों मिलता है शाम को टॉस के बाद, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक।